जय श्री राम दोस्तों। इस ऑटो का अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट को नहीं देखा है, इसका मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। बैकग्राउंड वाला पार्ट एक और दूसरा है आउटलाइन वाला पार्ट। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो पार्ट भी मिल जाएगा, तो उन पार्टों को भी जरूर देखना। और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक स्मूथ स्किन टेक्सचर कैसे ड्रॉ करें या फिर हम फेस को कैसे ड्रॉ करें आसानी से। और इस वीडियो का आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखोगे तो आपको जो है जो हमें फेस ड्रॉ करने में ज़्यादा टफ लगता है कलर पेंसिल से, वो आपको मेरे ख्याल से तो ज़्यादा इतना नहीं लगेगा जितना तब आपको पहले लगता था इस वीडियो को देखने से पहले। तो ज़रूर लास्ट तक देखते रहना, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ड्रॉ कर जितनी बार मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ उतना ही मुझे नया नया कुछ जो है सीखने को मिलता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप नया नया कुछ जो है सीखने को आप भी सीख पाओगे। तो ज़रूर प्रैक्टिस करो, करते रहो। और अभी तो जो है जुलाई का महीना है, तो इस महीने शायद सब लोगों का स्कूल भी बंद हो चुका है। तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है अगर जिन जिनका हुआ है समर वोकेशन, तो यही टाइम है आपके पास, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अभी जितना हो सके प्रैक्टिस करो ड्राइंग में, खेलने कूदने के बजाय अगर आप अंडर टीन एज हो तो। पहले अगर आप रोज़ाना 1 घंटे प्रैक्टिस करते थे तो अभी जो है आपको कम से कम 2.5 घंटे रोज़ाना प्रैक्टिस करो अगर आप 1 महीने में 6 महीने का रिजल्ट जो है पाना चाहते हो। तो अब मैं तो जिस तरह से मैं लेयर बाय लेयर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको करना है। वीडियो ज़्यादा स्पीड लग रही है तो यूट्यूब में ही ऑप्शन है सेटिंग का, वहाँ पे जाके वीडियो को स्लो भी कर सकते हो और स्पीड कर सकते हो। और वैसे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है, तो इसलिए आपको आवाज़ अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, तो जो जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा उन सबको भी नोटिस करना और जैसे मैं दिखा रहा हूँ उस हिसाब से आपको जो है करना है। और एक बार में आपको यहाँ पे जो जो कलर मटेरियल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने पहले वाले पार्ट में बता दिया है। और यहाँ पे जो हमें ऑयल पहले आया तो आपको ऑयल अप्लाई करना है, उसके बाद फर्स्ट लेयर में जो है पिंक कलर ब्राउन कलर अप्लाई करना है, उसके बाद येलो कलर जिससे मैंने अप्लाई किया जगह जहाँ जहाँ पे उस सबको अप्लाई करना है, शेडिंग ब्लेंडिंग कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर और डार्क पेंसिल लेना है, येलो से थोड़ा डार्क तो ऑरेंज होगा तो ऑरेंज कलर से मैं यहाँ शेडिंग कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत आपको रेफरेंस पर मैं ऑब्जर्व करना होगा कहाँ पे कौन सा कलर दिख रहा है तो देखना है और इस तरह से आपको शेडिंग करते जाना है। उसके बाद और डार्क पेंसिल लेना है, उस तरह से लेयर बाय लेयर करते जाना है। और इससे अगर आप इस तरह से रियलिस्टिक और एट्रैक्टिव स्मूथ स्किन ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरह से फॉलो करना है, वरना आप जो है फर्स्ट लेयर पिंक कर दो ब्राउन कर दो लास्ट लेयर रेड कर दो बस ख़त्म, ऐसा भी कर सकते हो पर ऐसे करने से उतना रियलिस्टिक नहीं हो पाएगा, ये तो सिंपल है बात। तो यहाँ पे अब मैं रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ, तो रेड कलर भी आपको अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको अप्लाई करते जाना है। कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और ज़्यादा कमेंट भी आता भी नहीं है अभी, तो इस तरह से पढ़ता हूँ, आगे देखा जाए क्या होगा। और हमारे चैनल में जो है 4K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाला है, तो होने के बाद हमने जो गिव अवे रखा था हमने अपने चैनल में, तो उस गिव अवे का रिजल्ट भी अनाउंस करने वाला हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने उस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखना, वो उस वीडियो का जो है उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेगी पर जो है आपको प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको शायद देखने को मिल सकता है। या फिर आप हमारे चैनल में अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है हमारे चैनल को ओपन करोगे यूट्यूब में सर्च करोगे तो हमारे मेरा चैनल जो है दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके देखोगे तो वहीं पर आपको जो है गिव अवे वाला वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और या फिर प्लेलिस्ट में जाओ और कमेंट में बताओगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक गिव अवे वाला, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना आप सभी लोग। उसमें गिव अवे में जो मैंने प्राइस जो रखा है तो आपको उस वीडियो में देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा, वैसे मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस वीडियो में गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ऑयल पेस्टल कलर का भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से आपके पास तीनों कलर अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि डोम्स कलर पेंसिल के साथ साथ आपको ऑयल पेस्टल कलर भी होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डोम्स कलर पेंसिल का जो वाइट कलर है उससे भी आप हाईलाइट कर सकते हो। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर जो है वाटर कलर, आपके पास वाटर कलर नहीं है
तो, या फिर आपका अगर वाटर कलर नहीं है वाइट जेल पेन है तो भी काम चलेगा। अगर पास वाइट जेल पेन नहीं है वाटर कलर है तो भी बहुत अच्छा है, तो वाटर कलर भी यहाँ पे यूज़ होगा इसमें। तो यहाँ पे जितना मैंने लेयर किया उस हिसाब से आपको लेयर करते जाना है। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ तो मीडियम प्रेशर से आपको शेडिंग करना है। इसी पेंसिल से आपको कहीं कहीं जगह पर ज़्यादा टार्क करना होता है तो ज़्यादा टार्क का ताका लगाना होता है, और कहीं पे हल्के से शेडिंग करना है तो कहीं उस जगह पर आपको हल्के से जो शेडिंग करना है। जहाँ पर हल्का हल्का डार्क दिख रहा है वहाँ पर हल्के से शेडिंग, जहाँ पर ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा शेडिंग। ये तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और यहाँ तक जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो उन लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और कमेंट में भी मुझे बता देना किन किन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और देख रहे हो, या फिर तो जरूर कमेंट में बताना। कमेंट में क्या बताना, जैसे तो मैंने पहले भी बताया है लगभग 97-96% लोग जो है वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं, तो लगभग ओनली जो है 3% लोग ही ऐसे हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो उनमें से आप हो या नहीं हो वो भी मुझे बता देना। अगर मेरी बात अगर आपको सुनाई दे रही है तो जाहिर है कि आपने यहाँ तक देखा है, और ये भी हो सकता है आपने वीडियो को स्किप कर करके यहाँ तक, और इस तरह वीडियो के लास्ट तक इस तरह स्किप कर करके हिरन की तरह फुदकते फुदकते लास्ट तक चले जाओगे। तो इसमें आपका फ़ायदा है ना मेरा फ़ायदा है, तो वीडियो में ध्यान से स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग टू एंड तक देखो, या फिर मत देखा करो। इसमें नुकसान मेरा भी है क्योंकि वीडियो मेरा डाउन चला जाएगा, और नुकसान आपका है कि आपका टाइम जो है वेस्ट जाएगा और आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। तो इसलिए मेरे बात को जो है ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे आईब्रो के ऊपर मैं शेडिंग कर रहा हूँ डार्कली, और यहाँ पे जो है ब्राउन कलर भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको देखना है जहाँ पर जिस कलर की ज़रूरत हो तो वहाँ पे उस कलर का अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इस तरह से फिंगर से कॉटन बार से या फिर फिंगर से ब्लेंड कर देना, हल्के हल्के से ब्लेंड करना, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल सॉफ्टली जो है ब्लेंड करना है यहाँ पे। और कभी कभी तो यहाँ पे हमें कॉटन बार के ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी अप्लाई ऑयल थोड़ा सा लगा कर उसके बाद ब्लेंड करना होता है। कभी कभी जो है बिल्कुल जो है फ्रेश कॉटन बार लेकर हमें भी जो है ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे जो है मैं हाईलाइट करने के लिए गालों के ऊपर, तो वहाँ पे मैं ऑयल पेस्टल कलर का यूज़ किया है, मैंने वाइट ऑयल पेस्टल कलर। तो आप भी इस तरह से हाईलाइट करने के बाद फिंगर से ब्लेंड कर सकते हो, फिंगर से ही ब्लेंड कर देना है। और अब मैं जो है फाइनल लेयर है ये, तो फाइनल लेयर में हम जो है 10B पेंसिल से डार्कली शेडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ नहीं करना है, सॉरी चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं करना है। चारकोल पेंसिल हल्के डार्क है पर यहाँ पे भी यूज़ मत करना है, क्योंकि इसके बाद यूज़ करने के बाद इसके ऊपर अगर आप ब्लेंड करोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा, वो बहुत बुरा इफेक्ट देगा। तो इसलिए आपको ग्रेफाइट पेंसिल ही लेना है यहाँ पे। तो 10B पेंसिल ले सकते हो, आपके पास 8B पेंसिल है तो 8B पेंसिल ले सकते हो, और जहाँ जहाँ पे डार्क दिखता है उस जगह पे आपको शेडिंग कर देना है। तो जो लोग भी यहाँ तक देख रहे हो लास्ट तक, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। तो आपको इससे भी ब्लेंड कर देना है हल्के हल्के से, बिल्कुल सावधानी से। और इस आटो को ड्रॉ करने में लगभग जो है इस फेस को कंप्लीट करने में लगभग मुझे 2.5 से 3 घंटे तो हो गया है, लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे तो लग ही चुका है। तो इससे टाइम तो लगता है आप अच्छे से ड्रॉ करना है तो, और ज़्यादा टाइम देंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से जय सियाराम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। जय सियाराम।